ज्यादा वजन होने की वजह जी से उनको मेरा डिसक्वालीफाई मेरा किया साहब, गया मेरा है। साहब जाहिर है कि आज पूरा देश दुखी है, एक आम आदमी भी दुखी है, प्रधानमंत्री भी दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी तो जो 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया, तो इसकी देखरेख का कार्य किसका था? और जब उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया तो उस चीज़ को लेकर, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अपील नहीं होती है, लेकिन अभी इनेलो के प्रवक्ता ने बताया कि एक खिलाड़ी थे, अपील की और उनको सिल्वर मेडल मिल गया। तो पीटी उषा को मैंने भी बताया प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मसले को ऊपर उठाए। तो आपकी जो पार्टी है, आपकी जो सरकार है, उन्होंने आपको क्या ब्रीफ किया है कि इस मसले को लेकर वो क्या कदम उठा पाएंगी, नहीं उठा पाएंगी, सच्चाई क्या है? देखिए मुकेश जी, जिस चीज का जिक्र, जिस घटना का विवेक जी ने जिक्र किया है वो ओवरवेट का मामला नहीं था, ये ओवरवेट का मामला है। और इस मामले के अंदर जिस तरह से एक दिन के अंदर 3 दिन फाइट उन्होंने जीती थी, तो हो सकता है कि जो उनके कोच या उनके डाइटिशियन जो हैं, क्योंकि विनेश बहन ने निजी तौर पर कोच और डाइटिशियन को पर्सनल तौर पर रखा हुआ है, उन्होंने हो सकता है अगले दिन उनको फाइट करनी थी, तो हो सकता है कुछ ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की डाइट उनको दी हो, जिसके कारण ये वजन उनका बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर स्वयं संज्ञान लेकर के हमारे इंडियन ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती पीटी उषा जी, उनको निर्देशित किया है कि विजेंद्र जी, इस मामले के मेरा अंदर साहब खेल गए, मुकेश जी आप मैं भी, आप कंप्लीट भी कर लूं खेल गए पूरा। पूरे मसले को लेकर मुकेश कि जी जो विनेश फोगाट है, उन्होंने डाइटिशियन और फिजिशियन जो है पर्सनल रखा है। तो पर्सनल रखा है तो इसका मतलब जो ओलंपिक संघ है हमारा, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं, मुकेश मुकेश जी जी, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय पीटी उषा जी से बात करके ये कहा है कि जो भी विकल्प हैं, जो भी हम बेहतर कर सकते हैं, कड़ा विरोध भारत ने दर्ज किया है, और इसके साथ साथ जो संभव है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आप वो करिए। और भारतीय जो हमारा कुश्ती संघ है उसने एक कड़ा विरोध दर्ज किया है, पूरा प्रयास है मुकेश हमारा, जी देश की आ रहे, भावनाओं के आपके हम पास साथ आ रहे हैं। हैं जी। और जिस तरह से माननीय मुकेश प्रधानमंत्री जी, जी मैं ने थोड़ा और जानना माननीय चाहता पीटी हूँ। उषा आ रहे जी हैं सर, ने आपके पास आ जो रहे हैं, इनको प्रयास खत्म कर किए हैं, दीजिए ना, आपसे पूरी बात सुनी ना, आप उनको करने दीजिए अपनी बात। हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई समाधान इसका निकलना चाहिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है, माननीय पीटी उषा जी ने जो अपना विरोध दर्ज कराया है, पूरे देश को दुख है, हम सबको दुख है, क्योंकि गोल्ड मेडल आने से पूरे देश का मान सम्मान बढ़ता मुकेश जी। और जिस जी तरह से हमारा हरियाणा प्रदेश, जो छोटा सा प्रदेश है, हाँ ओलंपिक मेडल लाने में हमारे प्रदेश की 50% से ज्यादा की भागीदारी रहती है, और जिस तरह से हरियाणा की सरकार ने 2014 से लेके अब तक समझ अगर मैं गया। बात करूं वो मेरा साहब, वो सारी बातें नहीं उठती। वो हरियाणा जो है हमारा नंबर वन है खेलों में, उसमें कोई शक नहीं है। ये वाला जो राजनीतिक एंगल भी आ रहा है, वो जो पहले घटनाक्रम चला है कुलभूषण जी का, इनका, पहलवानों का, जो इन्होंने धरना दिया, तो उसको लेकर जो राजनीतिक इस दल इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। और मुकेश दोनों जी जो है मेरा एक उसमें मेरा अपना अपनी मे प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं उसको भी हमें समझ में आ रहा है। मुकेश जी इनेलो, ये जनता है, ये सब जानती है। हम एक बार विवेक चौधरी के पास चलते हैं। चौधरी साहब, आप एक खिलाड़ी का जिक्र कर रहे थे, उस खिलाड़ी के बारे में दोबारा बताइए, और फिर मुझे ये बताइए कि जो रूल बुक है ओलंपिक एसोसिएशन की, मैं सुनिए सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए, जो रूल बुक जी है, उस रूल बुक में जो हमें जानकारी मिली है कि जब भी ओलंपिक एसोसिएशन इस तरीके का कोई भी फैसला देते हैं तो उसकी कहीं पे अपील नहीं होती। तो जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, वो वाला जो एग्जाम्पल है, वो विनेश फोगाट पर फिट होता है, नहीं होता है, तर्क के आधार पर बताइएगा। मैंने मैंने पहले तर्क के आधार पे और विद फैक्ट्स में बात करूंगा। केन्या का खिलाड़ी था फेथ की पेगम, और ये 5,000 मीटर रेस में डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था। मैंने कहीं भी क्यों ओवर क्यों वेट किया का गया जिक्र नहीं था, किया। क्यों किया गया ना था, बोल रहे हैं। ये हाँ सुन सुन लीजिए हाँ नेहरा साहब, मैंने कहीं भी ओवर वेट का जिक्र नहीं किया। मैंने एक ही बात पूछी कि डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, तो डिस्क्वालिफाई विषय अलग है ना, विनेश को वो किया विषय गया। अलग अरे है सुन वो। लीजिए भाई साहब, सुन तो सुनिए लीजिए। सुनिए नेहरा साहब, डिस्क्वालिफाई सुनिए सुन विनेश लीजिए, को किया ज्ञान की गया, बात बता रहे, सुनिए। डिस्क्वालिफाई विनेश को किया गया, और डिस्क्वालिफाई ही इस प्लेयर को किया गया
जब उनके देश ने उनके आवाज उठाने का काम किया तो उनको मेडल उनका कुछ मिला। अगर मैं तू आप बोलिए आते हैं आते हैं नेहरा साहब, हमें बिल्कुल भी इस बात की शंका नहीं है कि जो विजेंद्र नेहरा हैं वो ये ना चाहें कि विनेश फोगाट जो है वो मेडल लेकर आए, क्योंकि विनेश फोगाट का संबंध हमारे देश से है। नेहरा साहब सीधा विनेश जी का कसूर निकालने का काम कर रहे हैं। नहीं निकाल नहीं, उन्होंने कहा कि अपने वो तर्क है, उसमें तर्क है, उसमें तर्क है, उसमें तर्क है। ये वाली बात पे आप हाँ, ये वाली बात, ये क्योंकि सुनिए एक मिनट सुनिए। अरे चौधरी साहब सुनिए ना, आपको पता है हम निष्पक्षता के साथ बात करते हैं। इसमें तर्क ये है क्योंकि सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जो विनेश फोगाट है वो जो पिछले कुछ महीने रहे हैं उसमें जो केंद्र सरकार है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके खिलाफ प्रदर्शन करती रही हैं, जो ओलंपिक के कुलभूषण जी थे उनके खिलाफ बोलती रही हैं, तो उसकी सफाई ये पहले ही दे रहे हैं कि इस वाले मसले में जो डाइटिशियन वाला मसला है या जो कोच वाला मसला है इसमें राजनीतिक एंगल देना ठीक नहीं है। अपने बारे में क्या कहा, वही तो शक का दायरा आता है। मैंने शुरुआत में एक चीज कही कि फेडरेशन का चेयरमैन कौन, संजय सिंह क्या कहते हैं कि मेरी विनेश फोगाट से बात नहीं होती। आज हम नीति की बात पूछ रहे हैं, आपको अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, आप ये कहते हैं मोदी जी ने पूरे विश्व में धाक जमा दी। अरे धाक तो जमा देंगे, केनिया से भी आपको कमजोर साबित कर रहे हैं। ये तो आप राजनीति वाली बात कर रहे हैं चौधरी साहब, माफ कीजिएगा। ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। ओंकार सिंह जी, आपको लगता है कि हमारे देश में कोई ऐसा शख्स होगा, एक चौधरी साहब सुनिए, ओंकार जी क्या आपको लगता है हमारे देश में कोई भी ऐसा शख्स होगा जो विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उसको देखकर खुश हो रहा होगा कि अच्छा हो गया, डिस्क्वालिफाई होगी? क्या कोई ऐसा कर सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी पद पे हो या आम आदमी हो, ऐसा लगता है आपको कोई होगा ऐसा देशद्रोही? मुकेश जी, मेरी नजर में शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसको ये गम ना हो, जिसको ये दुख ना हो कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल लाते लाते रह गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता विनेश फोगाट की गलती निकालने की कोशिश क्यों करें? अगर हम ही उनकी गलती निकालेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उनके केस की पैरवी करेंगे? अगर मेरे भाई विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं कि हो सकता है उनके डाइटिशियन ने, उनके एक्सरसाइजर ने उनको उनका ज्यादा वो बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए कोई एनर्जी वादक दवा दे दियो चीज, तो ये अपने प्लेयर की खुद ही डिमोरलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर हम सुनिए ओंकार जी एक बात सुनिए, मुझे विजेंद्र नेहरा का पक्ष नहीं लेना है, ना मुझे केंद्र सरकार का लेना है, ना मुझे भाजपा का लेना है, ना आपका लेना है, ना जेजेपी का, ना कांग्रेस का। ये वाली जो बात उन्होंने कही जिसको आप इस बड़ी बहस में मुद्दा बना रहे हैं, उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जो उससे पहले बात हुई थी कि जो उनके साथ फिजिशियन गए थे, जो उनके साथ डाइटिशियन गए थे, तो क्या उन्होंने इस चीज को नोट नहीं किया? तो इसका जवाब उन्होंने दिया है। तो इस वाली लाइन को आप पकड़ के चलेंगे तो ये जो विनेश फोगाट को लेकर हम सभी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं इसको फिर आप राजनीतिक रंग देंगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि विनेश फोगाट मॉडल लेके आए, मेडल लेके आए, कांग्रेस इनेलो जेजेपी के लोग चाहते थे कि वो मेडल लाए, तो ये परिचर्चा नहीं है। पहले कह चुका हूँ कि ऐसा कोई शख्स नहीं होगा, लेकिन जो बात मेरे भाई विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं वो बात कह के, क्योंकि आज आपका चैनल जो है इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा होगा, सब देख रहे होंगे, और मेरे भाई विजेंद्र नेहरा जी खुद ही कह रहे हैं कि उनके डाइटिशियन या उनके दूसरे किसी स्टाफ की वजह से उनका वेट बढ़ गया होगा, तो ये तो खुद ही शक के दायरे में डाल रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सिल्वर मेडल तक तो उनका वजन ठीक था, सिल्वर मेडल तक तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा नहीं था, तो कम से कम सिल्वर मेडल के लिए हमें लड़ना बहुत जरूरी है, और ये लड़ाई मेरे और आपसे नहीं हो पाएगी, ये लड़ाई विजेंद्र नेहरा और विवेक चौधरी जी से नहीं हो पाएगी, ये लड़ाई प्रधानमंत्री जी के लेवल की है जी। और उन्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि जो 100 ग्राम वेट बढ़ा हाँ। वो फाइनल मुकाबले के दौरान बढ़ा,
वो सिल्वर मेडल के दौरान नहीं बढ़ा जी। ढींगरा साहब आपके पास आ रहा हूँ, ये जो ओवरवेट वाला मसला है, ये हो सकता है कि पहली बार सामने आया हो, लेकिन बहुत सारे जो ओलंपिक्स हैं, एशियाड हैं, कॉमनवेल्थ हैं, उसमें बहुत बहुत मरतबा ऐसा हो चुका है कि जो खिलाड़ी हैं वो किसी न किसी वजह से ड्रग्स को लेकर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी कहते हैं कि ड्रग्स ले ली, कई बार खिलाड़ी को पता भी नहीं होता कि वो बुखार की गोली खा रहा है, अगर पैरासीटामोल खा रहा है तो उसमें तो वो वाले चीज़ें नहीं हैं जो प्रतिबंधित हैं, या किसी दर्द की दवाई ले ली उन्होंने, तो इस तरीके से खिलाड़ी बाहर हुए हैं। हमारे भी बाहर हुए हैं, पंजाब की सुनीता रानी थी जो आजकल पंजाब पुलिस में, वो भी बाहर हो गई थी। तो ये वाले मसले आते रहते हैं, मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और जो रूल बुक होती है, खेल बुक होती है, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो उनको अपील करना क्या इतना आसान होता है? राजनीतिक तौर पर अगर आज हमने भारतीय जनता पार्टी को घेरना हो तो बहुत आसान है, लेकिन एक ईमानदार स्पोर्ट्समैन के तौर पर, क्योंकि आप खुद स्पोर्ट्समैन हैं, अभी आप बैडमिंटन का मैच खेलने जाने वाले थे, मैंने रोका आपको, मैंने कहा पहले आज बड़ी बहस करेंगे उसके बाद बैडमिंटन खेलना, तो एक स्पोर्ट्समैन की तरह जवाब दीजिए, क्या ये आसान है जितना इस परिचर्चा में हम भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दें? देखिए, ये हमारे देश का गोल्ड मेडल गया, हमारे बच्चे का जो